हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ये ब्रोकली की रेसिपी है, इसे मखनी ब्रोकली कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को करें लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मखनी ब्रोकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब ले ली है ब्रोकली। उसे मैंने धो के अच्छे से कट कर लिया है, तो अभी हम इसे कर लेंगे ब्लांच। तो एक बर्तन ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है पानी और नमक डाल देंगे एक चम्मच के करीब। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हमें कटी हुई ब्रोकली को। तो इसे ब्लांच कर लेंगे हम। तो जैसे ही ब्रोकली में एक बॉयल आ जाएगा, हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम निकाल लेंगे एक छलनी में। तो यहाँ पे देखिए ब्रोकली जो है वो ब्लांच हो गई है। तो इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे, पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे ठंडा पानी, जिससे कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर में आ जाए। और ये देखिए अच्छे से ये ब्लांच हो गई है। ब्लांच करने का मतलब ये होता है हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना, इसका कलर में कुछ भी फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने पैन लिया, इसमें डाला है एक चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें एक चम्मच बटर डाला है। कुछ खड़े मसाले जिसमें हरी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इन्हें डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बना के डाली है एक चम्मच के करीब। तो उसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे 20 से 30 सेकंड तक, ताकि इसका कच्चापन है जो वो निकल जाए। तो इसे पकाने के बाद अब इसमें डाल देंगे टमाटो की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना के इसमें डाल दी है। तो इसे हमें पकाना है। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे प्यूरी अच्छे से पक गई है, इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक 1/4 चम्मच, इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने अमचूर डाला है, इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। तो इसे मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 2 चम्मच के करीब यहाँ मैंने ली है टमाटो केचप, उसे डाल दिया है। इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, उसे भी पका लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे क्रीम, या आप घर की मलाई लेकर उसे बीट करके डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने ले ली थी घर की मलाई और उसे डाल दिया है। तो ये मक्खनी ब्रोकली है तो इसमें क्रीम तो जाएगी ही, तो इसे भी पका लेंगे हम 1 से 2 मिनट तक। इसे इसी तरह से हमें पका लेना है। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो ये हमारी जो एक सॉस है वो बनकर रेडी हो गई है। तो अब एक और पैन ले लेंगे हम, उसमें डालेंगे बटर 1 चम्मच के करीब बटर डालेंगे, और जो हमने ब्रोकली को ब्लांच करके रखा तो उसे डालेंगे और उसे सॉटे कर लेंगे। 30 से 40 सेकंड तक हम इसे इस तरह से पका लेंगे और ये ब्रोकली हमारी रेडी हो गई है। तो अब हमारी जो डिश है वो बनकर रेडी है, तो इसे कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है सर्विंग प्लेट, उसमें डालेंगे जो हमने सॉस बना के रखी थी। सबसे पहले उसे स्प्रेड करेंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और क्रीम डालेंगे 1 चम्मच के करीब, और इसमें हम लगा देंगे ब्रोकली जो हमने ब्लांच करके सॉटे कर ली थी, मक्खन के साथ सॉटे करी थी, उसे इस तरह से सारी सॉस पर फैला देंगे। और इस तरह से ऊपर से फिर हम वही जो हमने सॉस बना के रखी थी लहसुन और टमाटर वाली, गार्लिक अदरक वाले के पेस्ट वाली, उसे सारे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और फिर ऊपर से इसी तरह से कोटिंग करेंगे इसकी, ब्रोकली लगा देंगे, एक लेयर बना देंगे। तो ये डिश बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके ऊपर हम डाल देंगे फिर से क्रीम। तो ये मखनी ब्रोकली है, और ये आप इसे सॉस वाली ब्रोकली भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनी है ये, एकदम से अलग रेसिपी। आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत ही डिलीशियस लगेगी। तो इस तरह की रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।